हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोल बिंदास। मैं हूं आपके साथ आशीष। आज दिल्ली में हुए फिल्म पोस्टर बॉयज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्टर सनी देओल, बॉबी देओल और फिल्म के डायरेक्टर सुरेश थलपड़े मौजूद थे। हम आपको बता दें, ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पर बनी हुई है, जो कि एक फुली कॉमेडी एंड फनी मूवी है। जब फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर सुरेश थलपड़े से इस मूवी की कहानी के बारे में पूछा, तो उन्होंने इस पर क्या कहा। तो एक्सपेक्टेशन जैसे हर फिल्म से होती है कि फिल्म चले, लोगों को पसंद आए, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ फर्क वही है। ये फिल्म आपने जैसे कहा कि 2014 में हमने मराठी में बनाई थी। दैट टाइम आई हैड ओनली प्रोड्यूस्ड दैट फिल्म। दिस टाइम आई हैव आल्सो डायरेक्टेड द फिल्म एंड एक्टेड इन इट। एंड दिस फिल्म, ये कहानी है तीन बंदों की जिनको अचानक एक दिन ये पता चल जाता है कि बिना उनके परमिशन के उनके पोस्टर्स छप गए हैं नसबंदी वाले, कि भैया हमने तो नसबंदी करा ली, आप कब कराने वाले हो। और फिर उसके बाद उनके यही जो ऐसी जो नॉटी वाइफ ला गई ना, तो वही एक्सपेक्टेड है। और फिर उनके लाइफ में, उनके फैमिलीज में जो थोड़ा सा भूचाल आ जाता है इन ज्वालामुखियों के, उसके बाद वो अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए क्या क्या करते हैं, ये बेसिकली इस फिल्म की कहानी है। एक्शन मूवी के लिए मशहूर सनी देओल से जब इस मूवी को करने के बारे में पूछा गया, तो इस पर उन्होंने क्या कहा। डिफरेंट करूँ तो ये डिफरेंट हो गया, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन, एज एन एक्टर वी ऑलवेज हंटिंग फॉर प्रोजेक्ट्स। और आप ही लोग उसको फिर एक नाम दे देते हो। जितनी भी फिल्में हमने की हैं, वो सिर्फ एक तरह की फिल्में नहीं थी। अगर कोई रोमांटिक फिल्म भी है, उसमें जब मैंने किसी के साथ मार धाड़ की, तो आप उसको एक्शन बोलते हुए, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बहस तो कर नहीं सकता। तो बस यही कहूँगा कि एज एन एक्टर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई भी कैरेक्टर मिले जिसमें मुझे करने में मज़ा आए, वो मैं करूँ। और ये टॉपिक मेरे पास आया, ये सब्जेक्ट आया, एंड आई वांटेड टू डू इट, एंड हियर वी आर। जब सनी से पूछा गया कि क्या इस मूवी से लोगों को सीख मिलेगी जो सरकार से लड़ सकें, तो उन्होंने इस पर क्या कहा। आई एम आशीष फ्रॉम बोल बिंदास। तो मेरा क्वेश्चन है सर आपसे कि इस मूवी में आप लोगों को दिखाया गया सरकार से लड़ते हुए, तो क्या आपको लगता है ये एक तरीके से एक मैसेज मूवी हो सकती है। देखिए, मैसेज मूवी, ये मूवी, वो मूवी, तो हम लोग उसके काफ़ी कुछ भी बना देते हैं। लेकिन अक्सर जितनी भी फिल्में होती हैं, जब भी फिल्में हम लोगों ने, जिन्होंने भी आपने पुरानी फिल्में भी जब भी देखी होंगी, तो आप अक्सर वो फिल्म को लेकर बाहर जाते हैं। और उस फिल्म के अंदर इसलिए बाहर लेकर जाते हैं क्योंकि आपके साथ कहीं ना तो कहीं कनेक्ट होती है। तो ऑब्वियसली जब जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, तो ये कैरेक्टर्स हैं, इसी देश में रह रहे हैं, उनके साथ क्या उलझने होंगी सोसाइटी में, गवर्नमेंट के साथ, फैमिली के साथ, वो सब चीज़ें जो हर आदमी के साथ होती हैं, वो पूरे सब्जेक्ट में अपने आप ही आती है। नहीं कि हम उसको जानबूझ के दिखाना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं। तो जब इसी वजह से हम लोग जब पिक्चर देखते हैं, हमें भी अच्छी लगती है, बिकॉज वी आइडेंटिफाई विद इट। और उसके अंदर से फिर जो भी मैसेज मिले ना मिले, वो हर आदमी को पता ही होता है कि हाँ, ये मेरे साथ थोड़ा कभी ऐसा हुआ था, कभी ये हुआ था। तो ये थी फिल्म पोस्टर बॉयज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब देखना ये होगा कि यह मूवी लोगों को कितनी पसंद आती है और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे कितनी कमाई करती है। कैमरा पर्सन ऋषभ अरोरा के साथ मैं आशीष कुमार, बोल बिंदास, दिल्ली।